अगले 2 महीनों में भारत 20 से 25 लाख टन गेहूं का निर्यात करेगा। इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का एक्सपोर्ट हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस वर्ष भारत बीते 7 वर्षों में सबसे अधिक निर्यात कर सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि अन्य देशों के मुकाबले भारतीय गेहूं की कीमत प्रतिस्पर्धी बनी हुई है और इसी कारण यहां के गेहूं को खरीदा जा रहा है। अमेरिकी कृषि विभाग USDA की विदेश कृषि सेवा FAS ने अपने ताजा रिपोर्ट में भारत के गेहूं निर्यात के लिए अपने अनुमानों को 45 लाख टन से बढ़ाकर 52.5 लाख टन कर दिया है। दरअसल आसपास के बाजारों के लिए भारतीय गेहूं की कीमत उचित लग रही है। अच्छी गुणवत्ता और मानक का गेहूं भारत वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है, इसी वजह से निर्यात के लिए नए नए सौदे मिल रहे हैं। USDA ने कहा है कि अगस्त में भारत के गेहूं की निर्यात कीमतों का औसत $265 था और पड़ोसी देशों को कम माल भाड़े का लाभ मिला। भारत वर्तमान में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के देशों को बड़े पैमाने पर गेहूं भेज रहा है। नेपाल जैसे देश को तो भारत सड़क मार्ग से ही गेहूं का निर्यात कर देता है। वहीं अन्य देशों के गेहूं के निर्यात कीमतों की बात करें तो यूक्रेन और अन्य पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देशों में उत्पादित गेहूं की कीमत $358.5 है। वहीं इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल IGC के अनुसार अर्जेंटीना का गेहूं $314 में बेचा जा रहा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APIDA के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष की पहली छमाही में गेहूं का निर्यात बढ़कर 2.34 मिलियन टन हो गया, जिसका मूल्य 4590 करोड़ रुपए था। भारत गेहूं का सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारतीय गेहूं का सबसे बड़ा खरीदार है और इसके बाद श्रीलंका और नेपाल का नंबर आता है। निर्यात के लिए मिल रहे सौदों के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी देखी जा रही है, जो फसल कटाई के वक्त यानी अप्रैल में MSP से काफी कम थी। कटाई के वक्त किसानों ने 1500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर गेहूं बेचा था, लेकिन फिलहाल कीमत 1950 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है, जो MSP की दर 1975 के लगभग करीब ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।